Assalamu alaikum Nazreen. Make sure that you subscribe the channel and also press the bell icon to get latest updates from my channel. Assalamu alaikum, this is Muhammad Amar and you're watching Muhammad Amar PBC. BBC साथ मैंने इसलिए लगाया क्योंकि पहले मैं न्यूज चैनल चला रहा था पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, लेकिन अब मैंने शुरू की है व्लॉगिंग जिसमें मैं पाकिस्तान के काफी मसाइल को फॉर एग्जांपल दिस वन, लाइक लोगों को ड्राइव करने की भी तमीज नहीं है यहाँ पर. और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, हो सकता है कोई ना कोई पार्ट आपके दिल में लगे और आप फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी. लाइक मेरे जो व्लॉग्स होंगे उनमें आप देखेंगे कि मैं किस तरह डेली लाइफ में रहता हूँ, किस तरह काम करता हूँ, किस तरह लोगों से मिलता हूँ, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा. तो उम्मीद है कि आपको मेरी सारी वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी. तो द रीज़न कि मैंने स्टार्ट किया एज अ व्लॉगर, मैं पहले न्यूज़ चैनल चला रहा था जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन न्यूज़ चैनल चलाते चलाते मैं इतना हो गया कि यार हर कोई न्यूज़ चैनल चलाता है और हर कोई चैनल्स पे एक ही किस्म की चीज़ डालता है. तो फिर मैंने सोचा कि व्लॉगिंग की टाइप में आकर आप लोगों को पाकिस्तान के ऐसे ऐसे मसले बताऊं और आपको पाकिस्तान की ऐसी ऐसी खुशहाली बताऊं, ऐसे ऐसे अच्छे मॉन्यूमेंट्स दिखाऊं, ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी इमारतें दिखाऊं, बड़ी बड़ी गुड न्यूज़ दूं आपको पाकिस्तान के बारे में जो आपको पसंद आए, जिससे आप लोग एंटरटेनमेंट हो और जिससे न्यूज़ सुन के हर कोई डिप्रेस होता है कि यार पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या नहीं हो रहा. तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ ऐसा दिखाऊं जिससे आप अच्छी इमेज निकाल सकें पाकिस्तान की. लाइक यू आर वॉचिंग माई शेडो. मुझे 2.5 साल हो गए हैं न्यूज़ में काम करते हुए, लेकिन इससे पहले भी मैं काम करता रहा हूँ. लाइक आई एम स्टूडेंट ऑफ बीएस मास कम्युनिकेशन एट सेमेस्टर फ्रॉम गवर्नमेंट MAO कॉलेज. यस, ये वो कॉलेज है जो लाहौर का सबसे यानी कि बदमाश कॉलेज माना जाता था. लाइक यहाँ से बस वाले भी गुजरते हुए डरते थे कि यार हम लोग यहाँ पे किस तरह गुजर नहीं आ सके, हमें पकड़ ना ले. लेकिन अब इस कॉलेज के ये हालात हैं कि हम कह सकते हैं कि यार हर बंदा यहाँ पे सेफली पढ़ सकता है. नहीं, यूनिवर्सिटी के खिलाफ पोस्ट बंद करो. आपको करनी चाहिए कि आपको पता है इसके कितने स्क्वायर में टाइम नजर आ रहा. तो अब वक्त हुआ है हमारे पास ट्राई नॉट टू लाफ चैलेंज और ये हमारे साथ मौजूद है खावर साहब. खावर साहब हंसना नहीं है अब, तुम्हें हार लीजिए. बस क्या जब आपके सामने सनी लियोन हम खड़ी करें, हाँ चेहरा तो है ही नहीं ना आपके सामने. सनी लियोन खड़ी करें यहाँ पे, हम दिशा पाटनी खड़ी करें यहाँ पे, फिर मलाला यूसुफ सही खड़ी करें, शेर साहब को खड़ा कर दे. आज बड़ा बस कर दे. जी तो अब वक्त हुआ जाता है आज की ताज़ा तरीन खबरों का. खावर, हाय खावर. जी तो वक्त हुआ जाता है आज की ताज़ा तरीन खबरों का. खबरों पर जाने से पहले मैं आपको चीज़ दिखा दूँ. आप लोग मेरा पासवर्ड ना देख लीजिएगा इसलिए इधर आ गए. ये मैंने लाइटर का ऑपरेशन किया हुआ. सोच रहे होंगे कि मेरे पास लाइटर क्यों है, मैं सिगरेट बिल्कुल नहीं पीता, लेकिन फिर भी लाइटर रखना चाहिए ना इंसान को. बाकी कोई भी मांग सकता है आपसे लाइटर. लाइट मैंने चला के छोड़ी थी, मैं चेक कर रहा था कितनी देर तक इसके सेल जो हैं काम करते हैं. तो फिर हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ. हम गूगल से देखेंगे आज की न्यूज़. सो हम चलते हैं जियो पे, क्योंकि जियो एक अच्छा इदारा है तो उस पास हमें न्यूज़ भी अच्छी मिल सकती है. अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मेरी न्यूज़ ये मेरी स्क्रीन फ्लिकर क्यों कर रही है तुम. ओके 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 जी तो आजकल जो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा चल रही है खबर,
वो यही चल रही है कि शादी से मुतल्लिक मलाला के बयान पर 24 शख्सियात का सख्त तरीन रद्दअमल आ रहा है। मलाला यूसुफ़ज़ई ने कहा है कि शादी करने के लिए निकाहनामा पर साइन करने की क्या ज़रूरत है, अगर कोई साथ रहना चाहता है तो वो साथ निकाह के बगैर भी रह सकता है। तो जिस पर उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, गाइस मुझे नहीं पता कि मेरी स्क्रीन क्यों फ्लिकर कर रही है इतनी। सो ये थी आज की खबर। तो सवाल ये पैदा होता है कि मलाला ने आखिर ऐसा कहा क्यों है? क्या उसको कोई पार्टनर नहीं मिलता इसलिए वो निकाह के बगैर भी रहने के लिए तैयार है, या फिर क्या असल माजरा क्या है? ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा आवाम आजकल गर्म हुई हुई है। उसके बाद उसके जो फादर हैं उनका भी रद्दअमल आया कि उनके बयान को जो है उसका सियाक व सबाक चेंज करके तो दिया जा रहा है। तो देखते हैं इस बारे में क्या रिपोर्ट्स आती हैं मज़ीद। आप लोग मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं कि मलाला को पार्टनर मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में कि हमें और क्या क्या मिलता है। बाकी जो फ्लिकरिंग वाला मसला था ये मैं लाजमी हल करूँगा जी। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। ये हमारे साथ खावर साहब बैठे हैं, मैं भी खावर साहब इनको कहें हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा और आप हर आने वाली जी। तो नाज़रीन ये खावर साहब ने हमारे जैसे रिक्वेस्ट किया कि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, तो आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। क्या अच्छा आता ना, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत खूबसूरत हो ना, तुम बहुत खूबसूरत। पास आना बुरा लगता? किसके किसका पास आना आपको अच्छा लगता जी खावर जी? तो नाज़रीन ये था आज का व्लॉग, उम्मीद मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो के नीचे कमेंट करके लाजमी बताएं। तब तक के लिए सॉरी, नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज।